टैली में अल्ट और कंट्रोल दोनों का ही अपना अलग महत्व है, इंपॉर्टेंस है। क्या इंपॉर्टेंस है? देखिए यहां पर साइड में आपको बहुत सारी शॉर्टकट कीज नजर आ रही हैं, लाइक F2 है डेट के लिए, F3 है कंपनी के लिए, F4 है कंट्रा के लिए, F5 पेमेंट के लिए है, और इसी तरह से और भी शॉर्टकट कीज नजर आ रही हैं। तो ये तो मैंने आपको पहले बताया है कि ये जो डबल लाइन नीचे आ रही है इसका मतलब ये है कि आप इस बटन को कंट्रोल के साथ प्रेस कीजिए, और ये जो सिंगल लाइन आ रही है नीचे इसका मतलब है कि ये आपको प्रेस करना है अल्ट के साथ, ठीक है। लेकिन अगर आप केवल यहां पर अल्ट प्रेस करते हैं तो देखिए क्या होगा, जैसे ही आप अल्ट प्रेस करेंगे तो अल्ट वाले सारे ऊपर जो है आपको शॉर्टकट्स दिखाई पड़ेंगे, लाइक पीरियड यानी टाइम चेंज करना है, पीरियड चेंज करना है तो आप अल्ट के साथ F2 प्रेस कीजिए, सेलेक्ट कंपनी के लिए आपको अल्ट के साथ F3 प्रेस करना चाहिए, यहां पर नीचे अल्ट के साथ F5, डेबिट नोट अल्ट के साथ F6, क्रेडिट नोट अल्ट के साथ F7, यहां पर दिखाई पड़ रहा है स्टॉक जनरल, और भी डिलीवरी नोट जो है अल्ट के साथ F8, हालांकि हाईलाइट नहीं है, ये सब आपको प्रेस करना है। लेकिन यही इसको आप छोड़ देते हैं और प्रेस कर लेते हैं कंट्रोल। तो जैसे ही प्रेस करेंगे कंट्रोल तो आपको दिखाई पड़ेगा कंट्रोल के साथ F3 शट कंपनी, कंट्रोल के साथ F4 पेरोल, कंट्रोल के साथ F5 रिजेक्शन आउट, कंट्रोल के साथ F6 रिजेक्शन इन, कंट्रोल के साथ F7 फिजिकल स्टॉक, कंट्रोल के साथ F8 सेल्स ऑर्डर, और कंट्रोल के साथ F9 परचेज ऑर्डर। इसी तरीके से नीचे ऑटोफिल दिया हुआ है, आपको कंट्रोल के साथ F प्रेस करना है ऑटोफिल के लिए, और कंट्रोल के साथ H प्रेस कर सकते हैं चेंज मोड के लिए। तो आई होप कि बात आपके समझ में आ गई होगी कि ये कंट्रोल और अल्ट का क्या कॉम्बिनेशन है, कैसे कैसे इसको यूज करना है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती हो तो आप इसे शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।